उधर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जम्मू कश्मीर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। और इसी बीच जम्मू में रोड शो से पहले जेपी नड्डा ने जम्मू से बरनाई में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में बंकरों की जरूरत नहीं है, अब गोली का जवाब गोले से दिया जाता है। जिन्हें हम शेरे डुग्गर के रूप से जानते हैं, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी हमारे भारतीय जनसंघ के प्रथम लोगों में वो थे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने काम किया, ये हमारा जम्मू से गहरा रिश्ता है। और अगर हम याद करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जम्मू के साथ तो अटूट रिश्ता और भारतीय जनसंघ का और भारतीय जनता पार्टी का अटूट रिश्ता, वो हम कभी भुलाए नहीं भूल सकते। 1992 में मुरली मनोहर जोशी जी के साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे श्रीनगर में, 26 जनवरी को झंडा फहराया था और उसी दिन शाम को आकर के जम्मू के परेड ग्राउंड में ये कहा था कि हम धारा 370 को समाप्त करेंगे। आज ये हम सबके लिए कितनी खुशी का विषय है कि धारा 370 समाप्त हो चुकी है और आज हम एकीकृत तरीके से संविधान की दृष्टि से एक विधान एक निशान एक प्रधान इसके तहत चुनाव हो रहा है, इसको भी हमको ध्यान में रखना।